हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देखिए हिस्ट्री वर्सेस रियलिटी में। और आज फिर वापस आ गया हूँ हॉन्टेड रेलवे ट्रैक पर। उस दिन मैं अकेला आया था। स्टोरी में फर्स्ट पार्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और फिर भी बता देता हूँ कि ये हॉन्टेड रेलवे ट्रैक क्यों है। उस दिन मैं अकेला था, मैं ज़्यादा जा नहीं सका। और आज अपने साथ इमरान भाई है कैमरे में और मैं आया हूँ। देखते पहले दिखा देता हूँ आपको गूगल टाइम। हेलो गूगल, गूगल टाइम इंडिया, तुम्हारा नेट चल रहा है? हेलो गूगल, गूगल टाइम इंडिया। दिखा दो, लाइट कम करके दिखा दो। पूरा दिख रहा है 11:08। ठीक है, रात को 11 बजे। और पास में दोस्तों कई स्टेडियम है तो खेलकूद की आवाज़ आ रही होगी। हमें भी अभी हम लोग लोकेशन पे आ गए, जा तो सकते नहीं वापस। और पास में कुछ टूर्नामेंट रखा हुआ है तो बच्चे खेल रहे तो आवाज़ आ रही होगी। इमरान भाई चलते अपने थोड़ा आगे, देखते क्या होता है। कुछ दिन में आया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछे पीछे फॉलो कर रहा था और आगे बैठ के कोई पूरा परिवार बैठ के बातें कर रहा हो, कोई बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो अब देखते हैं, हम दोनों हैं, चलते थोड़ा आगे, जो भी है चलो चलते आगे। दिखा दो पूरा रेलवे ट्रैक पे खड़े, ऐसे के रोड पे भी दिन में नहीं आए, रात को 11 बजे आए हम लोग। उस दिन में 10:30-11 के आसपास आया था। अरे खेल की ये लोग जो स्टेडियम में खेल चल रहा है ना, उसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आवाज आ रही होगी तो समझ में आएगा अपने को। उन लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है ना। उस साइड कुछ पत्थर की आवाज तो आ रही है कट कट होने की, लेकिन कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा। वो सिग्नल की लाइट है ना, उसके आसपास देखो, ठीक है, सारे कुछ दिख नहीं रहा। वो आवाज तो दूर है, ये एकदम पास से आ रही है। क्या चीज हो सकती है यार, चले आगे चले, थोड़ा सा चल के देखते हैं। शांति से बैठ जाओ, बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो। अभी बच्चे के रोने की आवाज सुनी दी आपको? लग रहा है ऐसा पूरी फैमिली कोई बात कर रहे हो बैठ के। इमरान में आपको आ रही आवाज इतनी? कुछ अजीब सी आवाज तो आ रही है, ऐसा लग रहा है सब साथ में बैठ के कोई बातें कर रहे हो। चले क्या आगे, चले चलो थोड़ा सा चलते हैं। चलते आगे चलते थोड़ा, देखा आवाज आ तो रही है। दिवाली का सीजन है, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं गांव में। आते ही आवाज़ शुरू हो जाती है।
बैठते 2 मिनट बैठ जाओ। देखो दोस्तों लोकेशन पे तो आ गए हम लोग, लोकेशन में क्या है पास में गांव है और इस साइड स्कूल कोई है तो उसमें टूर्नामेंट रखी हुई है, वहाँ बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। लोकेशन पे बैठे अभी, उस दिन मेरे को बैठने भी नहीं दिया था इतना, अभी भी मेरे को लग रहा है कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो गया था। फिर आप लोग बोलोगे भाई पास में तो गांव थे, पास में घर थे, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो हॉन्टेड? भाई घर पास में है, रेलवे ट्रैक है, वो भाई ने जो भी फैमिली ने आत्महत्या की थी तो ट्रैक पे की थी ना, गांव में तो नहीं की थी, तो उसकी वजह से वो ट्रैक पे रहते। आसपास में रोड भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम सुनसान जगह तो है ही नहीं है, जो भी है बीचों बीच है। लेकिन रात के समय यहाँ पे जो भी आसपास लोग गुजरते हैं ना, उन लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई रात को उनको बैठा हुआ मिलता है या उनके साथ बातें भी करता है, पूरी फैमिली उनको दिखती है। तो देखते हैं हम लोग बैठे अभी, एक बार और गूगल टाइम दिखा देता हूँ, उस टाइम बराबर दिखाना हो तो। फिर आप लोगों को बोलोगे गूगल टाइम इंडिया, सर्च करना बहुत प्रॉब्लम है। इमरान भाई गूगल टाइम इंडिया, पूरा क्लीन पूरा कैप्चर दिखाना, 11:20 दिख रहा है पूरा टाइम टेबल सब दिखा दो, ठीक है? अब थोड़ी देर कैमरे को करते हैं बंद। इमरान भाई ऐसे ही बैठते, अगर कुछ एक्टिविटी होती है तो हम चालू करेंगे कैमरा, ठीक है? बंद कर देते हैं। आधे घंटा हो गया है कब से बैठा हूँ मैं दोस्तों। उस दिन जो हरकतें हुई थी, सिर्फ एक बार आवाज़ आई है किसी बच्चे की रोने की, और उसके बाद कोई आवाज़ आई नहीं है मेरे को। और शायद पटरी पे ट्रेन आने वाली है, दिखा देना गाड़ी आने वाली है, रुकते हैं थोड़ी देर, और गाड़ी के जाने के बाद भी रुकते हैं थोड़ी देर। दूर है बहुत, आने वाली है, बस हॉर्न आ रहा है फिर आवाज आएगी। यही सेम जगह है, यहाँ यहाँ ये जो नेक्स्ट पटरी दिखा दो, दूसरे वाली पटरी पे, वहाँ पे उन लोगों की डेथ, यहाँ पे उन लोगों ने आत्महत्या की थी। तो यहाँ आगे पास में वो है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन है, और यहाँ पे स्टेशन के पास में इन लोगों ने, हम लोग सेम लोकेशन पे मैं बैठा हूँ दोस्तों। चाहे तो मैं फर भी सकता था, कहीं और भी रेलवे ट्रैक दिखा सकता था ना, उसी जगह पे बैठा हूँ मैं। अगर कुछ उस दिन मैं अकेला था तो मेरे को दिखा भी था शायद, आज हम दो जने हैं, कोई महसूस भी नहीं हो रहा है। उस दिन इमरान भाई हम लोग आए ना, मैं अकेला था, तो मैंने वहाँ पे गाड़ी रखी थी, ट्रेन वो जो स्टेशन पे गाड़ी रखी, फिर चलता हुआ इधर आया, तो वहाँ से वीडियो शूट कर करके आ रहा था मैं, तो यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे गया था मैं। तो जैसे मैं आगे गया कि तो कोई मेरा ऐसा लग रहा है मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा हो, ठीक है हमको चलो भाई, अपने लाइट चल रही थी, ट्राइपॉड और तीनों संभाल नहीं सकता था वो, चलो मेरी परछाई होगी, तो
एक दो बार फंसे हो गए, फिर यहाँ पे आके मैं रुका तो अचानक से ऐसा लग रहा था कि कोई फैमिली बैठी हो ना, पूरी फैमिली बैठ के बातें कर रही हो और बच्चा रो रहा है, ऐसी आवाज़ आने शुरू हो गई। फिर मैंने बोला भाई, टाइम तभी भी 11 के आसपास ही बजे थे, मैंने बोला भाई अपने को निकलना है, अच्छा क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए अकेले रहते तो, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है फिर मेरे को लेके कौन जाएगा वापस। चलो ट्रेन आ रही है, अब निकलते हैं। ट्रेन आ रही है, दिखते हैं। वो भूत ने खींच लिया था ट्रेन के साथ में, वो भी है ना। चलो दोस्तों, इसलिए रिक्स लेंगे नहीं, थोड़ा बाहर निकल जाते हैं पटरी से दूर, फिर उन लोगों के जाने के बाद आते वापस। ट्रेन जाने के बाद आते वापस। कब से बैठे, गाड़ी आई थी, ट्रेन भी चली गई, वापस आए ट्रेन, फिर आवाज़ आई। सिर्फ आवाज़ आती है, वो एक बार आई या फिर दो बार आई है, कोई बच्चा रो रहा हो। कुछ अलग ही आवाज आ रही है ना। वही जगह पे बैठे दोस्तों, वापस देखते हैं, करते हैं वीडियो को एंड, चलते हैं। मुझे नहीं लगता, कुत्ते भौंक रहे और कोई आवाज नहीं आ रही, एक दो बार बच्चे के रोने की आवाज आई है। और उस दिन मेरे को तो वो भी आवाज़ आई थी कि कोई फैमिली बैठ के बातें कर रही है, आज वो भी नहीं आई है। तो बहुत देर तक बैठना तो मुमकिन नहीं है, क्या करते हैं अभी। इमरान भाई, करते हैं बैकअप, चलते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखा करो और स्किप मत करा करो, स्किप पूरा पूरा वीडियो देखा करो और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो, और इंस्टाग्राम पे नीचे इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी, तो आपके पास अगर कोई हॉरर लोकेशन है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करके बता सकते हो। आपके लिए रात को 11:30 बजे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग बोल रहे हो फेक कर रहे हो, वो कर रहे हो, अरे भाई फेक कर रहे हो तो आप खुद जाओ ना एक बार रात को 11 बजे कहीं भी जाके वीडियो बना के डालो आप, तो आप लोगों को पता चले लोकेशन पे जाने की क्या हालत ख़राब होती है लोगों की। सिर्फ बस आप तो कमेंट कर दिया भाई फेक है, अरे फेक भी बना रहा है बंदा तो रात को 12 बजे वो लोकेशन पे जाता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप खुद जाके बना लो एक आध वीडियो, जो भी बोलते हैं ना फेक बना रहा है फेक बना रहा है, तो आप एक बार जाओ लोकेशन पे जाओ, और जिसको भी आना है मेरे साथ मोस्ट वेलकम, इंस्टा पे मैसेज करो, मैं मेरे साथ लोकेशन पे लेके आऊँगा उसको, जिसको भी आना हो मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं आपको लेके आऊँगा लोकेशन पे। हर वीडियो में मेरे हर वीडियो के साथ में लेके आऊँगा, जिसको भी भाई जिस भाई को भी आना हो। आप लोगों को बोल रहा है फेक है, इधर जाता है, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना टाइम लगता है, हमको पता है। आज को रात को 12 बजे, ऐसे ही रात को 11:30 बजे हमको भी ऐसे सुनसान सड़क रोड पे आके बैठने का हमको भी कोई शौक नहीं होता है। हमने भी किसी भाई ने बताया होगा कि भाई तुम यहाँ पे जाओ, ठीक है आए, भाई जो वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा वास्तव में भाई मैंने रखा था तो वो आया। कोई लगा तुम्हें यहाँ से कोई गया हो? अभी गिट्टी के खिसकने की आवाज आई थी। आवाज आई है मेरे को, ऐसा लगा फट से यहाँ से कोई गया अपने पास से। ठीक है दोस्तों, फिर देख आ रही पूरी आवाज़। हाँ ऐसा लग रहा है कि बात कर रहा है, जैसे पूरी फैमिली बैठ के बात कर रही है, ऐसी आवाज़ आ रही। ठीक है दोस्तों, फिर से ट्रेन आने की तैयारी हो गई है, निकलता हूँ। अब गूगल टाइम बार बार बताऊँगा तो भी मैं ऐसा तो नहीं है, देखो 11:30 बज गए। ऊपर 11:30 के आसपास हो गए, और लॉन्ग टाइम बैठने से अच्छा नहीं है, निकलते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देखो
की आवाज आ रही है ना, तो क्या बोला टिटोड़ी। कुत्ते भी खतरनाक भौंक रहे हैं। कुत्ते तो भौंक रहे यार। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलते ट्रेन आ गई वापस।